अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड्स अप, दिस इज़ यावर। और गाइस, आज मैं फिर से आया हूँ दोनार बकरा मंडी में। जैसे कि सैटरडे की मंडी में बहुत अच्छा माल देखने मिला था, बट प्राइस हायर साइड थे। तो आज है ट्यूसडे का दिन, आज देखेंगे क्या माल आया है, क्या क्वांटिटी में आया है। ठीक है, जैसे अभी बैक साइड से एंट्री किया हूँ मैं, यहाँ तो पूरा खाली है। हम फ्रंट साइड पर चलेंगे, देखेंगे क्या क्वान्टिटी में कितना माल है, और इंशाल्लाह विद प्राइस पूरा वीडियो को रहेगा। ठीक है, उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए। शूट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरीज हो तो नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेरा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सैटरडे, ट्यूसडे की मंडी में माल थोड़ा कम आता है, बट अभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है तो माल की भी क्वान्टिटी भी बढ़ती जा रही है और प्राइस भी हायर साइड जा रहा है। साइड अंधेरा बहुत है। ठीक है, तो लोकेशन बता दूँ, यह है गोवंडी, मुंबई महाराष्ट्र में गोवंडी स्टेशन है, उसके एग्जैक्ट सामने। ठीक है, हफ्ते में दो दिन लगती है, मंडे ट्यूसडे सैटरडे। निकालने के चार्जेस 100 रुपीज़, और ऑफ डेज पे आप निकालते हो जैसे ट्यूसडे और सैटरडे छोड़ के, तो 500 रुपीज़ पर जानवर के हिसाब से आपको लगता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, इधर कोटा है, माशाल्लाह सिंह थोड़ी टेढ़ी है लेकिन कान अच्छे है, फुल जेड ब्लैक में। वजन अंदाजा कितना रहेगा रोहित भाई, आप बताओ? अच्छा वजन अभी कम हो गया है ना, दो साल से खड़ा हो दो मंडी से खड़ा है, मतलब दो साल बोल रहे हो, मंडी से खड़ा है भाई, कोई ले ही नहीं रहा उसको। जेड ब्लैक में है, लंबे कान में माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए। ठीक है, अब इसको कम कर करके इसका प्राइस 18,000 रुपये पे आ गया है, वरना स्टार्ट तो 26,000 से किया था दो हफ्ते पहले। ये देखो सौदा, देखो ऐसा होता है, बस पकड़ लो कॉलर शर्ट जो आत्मा है। हाँ भाई, ये बकरा देख लो ना, इसकी हिस्ट्री बताओ दो हफ्ते वाला। इसकी हिस्ट्री ये थी भाई, दो मिनट मैं अपनी वीडियो में इसको लिया था। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर थे, मेरे इतना गौर नहीं फरमाया। हाँ, टूटी हुई है, सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताया, बोलते भाई गौर करो रोहित भाई, वहाँ पर सिंह देखो, ओल्ड इतना डार्क कलर लगाया था, ना तो पूछो मत, देख सकते हो सिंह देख रहे। हाँ, डैमेज है, पूरा डैमेज है, समझ में नहीं आएगा। और बहुत भाई, बहुत मैं दूर से अगर ये चीज़ लूँ ना, कुछ भी नहीं दिखेगा मेरे को भी नहीं। मैं तुम क्या बोल रहे, अभी नजदीक में कैमरा लेके गया, सब समझ में आया। मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई वाकई स्विंग टूटी हुई भाई, अरे बकरा माशाल्लाह ना भाई, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वेट में था भाई, बहुत अच्छा वेट में था। अभी कल करके इतना वेट लॉस, इसका कितना बोल रहा था प्राइस? वो टाइम पे 25 या 26 बोला था। हाँ, 26 बोला था, स्विंग टूटी हुई कौन देगा भाई। वो भी है, कोई न्याज वगैरह के लिए ही काम में आएगा, न्याज या शादी फंक्शन के लिए, क्योंकि उनका रेट भाई वही वही मांगते हैं भाई। क्या 1-2 हज़ार रुपये कम करेगा और क्या करेगा? ये बच्चा भी देखो ठंडी में था, ये वाला। हाँ, ये भी दो हफ्ते वाला है, ये दो हफ्ते वाला है, सब दो साल से खड़े थे, जान दो बैठा है, बैठा रहने दो पीछे, वो चेहरे पे उसके वो आए थे, छाले भी आए थे। हाँ, वो दिख ही रहे यहाँ से। इसका क्या डिमांड किया था? इसका डिमांड भाई वही अपना 28 किया था। ये बहुत उतर गया यार ये, अरे अच्छे बच्चे थे सब उतर रहे, बहुत सारे बकरे आज ना भाई, लगभग ना कम से कम 15 बकरे हैं जो मैंने दो हफ्ते से कवर किया हूँ अभी तक, अभी भी है। इसका 3,000 बोले, 60 किलो का था, आज 50 किलो का हो गया, वेट कम हो रहा है। हाँ, पैसा बढ़ते जा रहा है, या अल्लाह रहम। अभी कैसा ना भाई, क्वालिटी आ रही है लेकिन भाव भी और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे टाइम नज़दीक आ रहा है ना, 2.5 महीना है। हाँ, अभी 2.5 महीना है, अभी अभी बकरा है, 1,00,000 रुपये लगाए दिया नहीं, मतलब जहाँ रमज़ान ख़त्म होंगे तो भाव कहाँ जाएगा क्या मालूम। अरे अभी कुछ नहीं है तो बोलूँ ना भाई, कुछ उम्मीद भी नहीं है बारिश की, है ना। अभी कैसा लास्ट टाइम जो मिडिल क्लास वाले आदमी नहीं है जो कमाते हैं 1,000 रुपये महीना निकालते हैं। हाँ, साल का हो गया 12,000 होता है, बाजार में तो बकरा आता नहीं, क्योंकि अपनी जो सैलरी रहती है ये महीने के एंड की। हाँ, जो उसमें 8,000 डाल देते, बोलते 5-6,000 की 17-18,000 का बकरा उनको लेना रहता है, पर वो ले नहीं पाते, क्यों मालूम, की वजह से भाई प्राइस इतना हो जाता है, बराबर 18,000 में आता है कुछ छोटा, देखो ऐसा बच्चा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा वेट में रहेगा, ऐसा आएगा 18-20-21 में ऐसा बकरा आता है भाई, ये ईद के टाइम पे ऐसा भी नहीं आएगा 21 में, इसका भी 30-30,000 रुपये बोल रहे हैं, मतलब 21-22,000 में ऐसे बकरे, 50 किलो का बकरा भाई वो, क्या बोलें। चलो ठीक है, माशाल्लाह चीज़ देखिए आप लोग, बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग देखिए, उसका चाल छलन, उसके जो खड़े रहने का स्टाइल है वो देखिए आप लोग, बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ठीक है, प्राइस भी बहुत प्यारा है, 12,000 रुपये। ठीक है, वजन में रहेगा 25 kg आसपास रहेगा ना रोहित भाई? ये आराम से 26-27 वही 25 ही पकड़ो ना अपन कम से कम, लेकिन बहुत अच्छी फिटिंग का बच्चा है यार माशाल्लाह, फिटिंग अच्छी है इसकी, बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, 12,000 रुपये डिमांडिंग प्राइस है। लोकेशन है S4 में, गाला नंबर 12। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोगों को इस साइड पे आना पड़ेगा। हाँ, ये सब ईद के टाइम के नंबर,
अभी वापस से सब चेंजेस आएंगे भाई। इस बार देखते क्या तैयारी करता है। लास्ट टाइम याद है शेड गिर गया था। अरे भाई बकरा, अल्लाह का शुक्र है बकरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, डबल हड्डी में दम है, देसी में लेकिन चीज़ एक नंबर चीज़, एकदम ढोल हो गया माशाल्लाह। तो गाइस ये फीमेल देखिए माशाल्लाह शोजत में बहुत अच्छी लेंथ फ्रेम की बकरी है, ठीक है चाइना से रेट में है 13,000 रुपये में। जो भी चाहिए आप लोग को S3 में गाला नंबर 7 में आना पड़ेगा, ठीक है मस्त बकरी है एक नंबर। इसको भी चाहिए रोहित भाई के पहचान वाले, कॉन्टेक्ट रोहित भाई से आप लोग कर सकते हो। भाई नंबर बताओ आपका। मेरा नंबर नहीं भाई यार, वरना फ़ोन आपको आएंगे। अरे बहुत कॉल आते हैं भाई, बहुत कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं परेशान हो जाता हूँ भाई। तो चलो व्यापारी का डायरेक्ट नंबर इंस्टाग्राम पे लोगों को मिलेगा, आ जाओगे मिल जाएगा। है ना भाई, परेशान हो गए फोन से। इतना परेशान ना भाई, भाई बकरा जुलाब कर रहे उसके लिए कॉल कर रहे हैं। जुलाब हो क्या तुम्हें अभी एक बार नंबर भी बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के था, अभी कॉल पे तराबी रहती है अपनी। हाँ बराबर समझे भाई, ये फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, बोर का बच्चा अहमदाबाद से लिया 9,000 रुपये में, अब कुल्ला नहीं पहुँचा। अरे भाई मेरे साथ खुद होता है सब, लेकिन अभी कस्टमर हजार मैसेज क्या बोलिए। बाकी बकरी मस्त है, ठीक है जो भी लेने में आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ goatsub_, उस पर आप लोग को नंबर प्राइस के साथ मिल जाएगा वापस से, आप लोग वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है रोहित भाई, जो बहुत सारे बकरे जो मैंने आपको दिखाया रोहित भाई ने भी लिए, उनका नंबर आएगा, जिसको कांटेक्ट करना है आप लोग रोहित भाई से कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो गाइस थोड़ा पाड़ों की अपडेट, ठीक है S1 गाला नंबर 10, टाइम नज़दीक आते जाएगा और ये और क्वांटिटी में आते जाएंगे भाई। ये साल पाड़े में ना भाई मेरे कुछ दोस्त लोग हैं हमारे, जो तुम्हारे चाचा जो दास्तों में उसकी वीडियो बनाया था, हाँ उन लोग बहुत सारा माल डालने वाले मेरे को बुलाए भी है, तो हो सकता है आप अल्लाह ने चाहा तो बकरे तो बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ, पाड़े सस्ते होने वाले की बहुत लोग से सुन रहा हूँ। एक बात बोलूंगा भाई, ईद के टाइम में तुमने भी पाड़ा लिया कितने लिए? 12,000 रुपये में, और जो न्यास करके देखो बाटे थे वो वाला लिए थे 23,500 रुपये में, लेकिन बड़ा 150 किलो kg के आसपास का था। ये सब प्राइस रेंज में अपन दिखाएंगे पाड़े, ओके ईद के टाइम पे, इसके एक हफ्ता पहले, बकरों से पहले उतरते पाड़े। मशवरा दूंगा भाई पाड़ा ही ले लो, बहुत लोग को भाई जमता नहीं है ना, लेकिन गर्मी जून का महीना कैसा चालू हो रहा है तो बारिश का इतना मेरे को लगता नहीं चांसेस नहीं है, और इसके अगले साल तो और बारिश नहीं हुई तो इन लोगों का रेट ना बकरा आम इंसान ले ही नहीं पाएगा, बहुत रेट रहता है इसके अगले साल तो और टेंशन है। मैं तो दो बकरे घर पर रख दूंगा पहले लेकर लेकिन मजबूरी भाई, जिसको बकरा करना है तो उसको फिर क्या बोला भाई, आदमी कमाता है हजार निकालेगा 20,000 बराबर कैसा करेगा फिर पानी, ठीक है। फिलहाल ऐसे नॉर्मल आप लोग पाड़े अभी लेने आते हो तो ये 35-40,000 ऐसे ऐसे के मांगेंगे अभी, ठीक है एक आध का रेट एक अंदाज़ा है मेरे को, बाकी मैं वैसे नहीं, मैं नॉर्मल पॉक बात कर रहा हूँ। उस दिन परसों नहीं कब आया था मैं, ट्यूसडे के दिन लास्ट टाइम, उसमें 35,000 या 36,000 रुपये कुछ बोल रहा था, यही दोस्त लोग क्या मस्त फोज में खड़ा है सामने, दिख भी नहीं रहता अंदर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टाइम नज़दीक आते आएगा, बहुत सारे सरप्राइजेज भी है आपके लिए और कंटी गिव अवे भी है, और हमेशा गिव अवे तो भाई धमाल था यार लास्ट टाइम का है, तुम ही लेके आएंगे। लास्ट टाइम सूरत गया था वो बकरे का, इंशाल्लाह बकरा इसमें वीडियो भी आएगी, हाँ उसने बराबर भेजते भी रहता है लेकिन मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया हूँ। वो बकरा माशाल्लाह क्या हो गया यार, हाँ सब यूट्यूबर्स थे भाई उधर, खाली आपकी कमी रह गई थी। आएंगे इंशाल्लाह, इस बार करेंगे, है ना इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तो ये रेंज प्राइस रेंज के ऐसे बच्चे आप लेने जाओगे, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ जहाँ तक कि मेरे को नॉलेज है, ठीक है 15,000-18,000 में, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे, हाँ बाकी ईद के टाइम पे जो आएगा वो एक नंबर चीज़ रहेगी। जाफरावादी आती है उसके अंदर पाड़े, सिंग क्या बड़ी बड़ी रहती है यार, जाफरावादी का भेजा अच्छा रहता है खाने में, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की दोनार की अपडेट, ठीक है इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।